छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि दो चरणों में मतदान होगा, वैसा ही हुआ है। चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लोकतंत्र में चुनाव को आसानी से नहीं लिया जा सकता। 5 साल भूपेश बघेल सरकार ने जो काम किया है, इस बार हम 75 पार लाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। मतदाता मतगणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2,03,00,000 मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18,00,000 मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18,00,000 नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,39,000 है। 1,85,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में इन 5 सालों में गया है, तो ये खुशहाली, ये सुखचैन घरों में अगर आपको दिखाई दे रहा है ना, तो उसके पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बराबर के हिस्सेदार हैं।